आज जिस शैली के बारे में हम बातचीत करेंगे उस शैली का नाम है कथकली। ये भारत के दक्षिण राज्य केरल से जुड़ा हुआ है और आज भी केरल के मंदिरों में उत्सव के समय पे या किसी खास अवसर पर इसे प्रस्तुत किया जाता है और मंच पर तो ये काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। कथकली के बारे में और विस्तार से हमें समझाने के लिए हमारे साथ इस शैली के एक बहुत ही सुविख्यात कलाकार हैं श्री सदनम बालकृष्णन जी, जिन्हें हम आशान करके संबोधित करेंगे क्योंकि कथकली के शैली में वरिष्ठ गुरु को हम आदरपूर्वक आशान करके ही संबोधित करते हैं। आशान, आप हमें पहले ये बताएं कि इस शैली की जो प्रारंभिक शिक्षा कैसे होती है? कथकली की शिक्षा और दूसरे नृत्यों की शिक्षा में थोड़ा फर्क है। हमारा क्लास शुरू होता है सवेरे 3 बजे, बच्चों को बिठा के उसके आँख में घी लगा के पहले आँखों का एक्सरसाइज करवाते हैं। इसके बाद बदन पे तेल लगा के कूदना, कुछ कसरत करना और उसके बाद मालिश होता है। जब उनका बदन अपने कंट्रोल में होता है उसके बाद हम उनको कुछ आइटम सिखाते हैं। यही कथकली का शिक्षा तरीका। एक दिन कम से कम 8 से 10, 9 घंटे का क्लास होता है। इस तरह 8 से 10 साल गुरु के साथ रह के शिक्षा लेता है। इसमें जो कथाएं कही जाती है, जैसे इस शैली में जिसका नाम ही है कथकली, कथा यानी कि कहानी और कली यानी कि क्रीड़ा या प्रस्तुति नाटकीय अंदाज से, क्योंकि कथकली बाकी शैलियों से इसी प्रकार अंतर, इसका जो अंतर है बाकी शैलियों से यही अंतर है कि इसमें नाटक का प्रयोग ज़्यादा है और इसमें जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो असल में वो उसी पात्र का ही रोल निभाते हैं। बाकी शैलियों में जैसे आपने देखा होगा भरतनाट्यम में, ओडिसी में या बाकी जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, शास्त्रीय शैलियां हैं, उनमें एकदम से हम कृष्ण बन जाते हैं, एकदम से हम राधा बन जाते हैं, एकदम से हम सूत्रधार बन जाते हैं, कथा बताने वाले बन जाते हैं। सारे जो पात्र हैं हम खुद एक नृत्यांगना या एक जो नर्तक है वही निभाता है, लेकिन आशान बताएंगे कथकली में वैसा नहीं है। बाकी नृत्यों में रंग पर नर्तकी होता है, कथकली में कथा पात्र होता है। वो वेशभूषा पहन कर एक कथापात्र होकर दो तीन चार कथापात्र इकट्ठा करके एक नाटक को प्रस्तुत करता है। आशान, कथकली एकमात्र ऐसी शास्त्रीय शैली होगी जो कि संस्कृत नाटक से प्रेरित है और इसमें जो अभिनय किया जाता है वो बाकी शैलियों से काफ़ी इसमें अंतर है, जैसे हस्त मुद्राएं और जो मुखाभिनय है, चेहरे का जो अभिनय, चेहरे से जो अभिनय बताया जाता है उसके बारे में आप ज़रा हमें बताएं और कुछ करके भी दिखाएं। देखिए आशान को जब आप उस आहार्या या जो मेकअप के बिना जब ये देखते हैं आपको पता लगता है कि कितना इसके पीछे काम जाता है। आईब्रोज, then this ऐसे हम पूरा चेहरे का
अपने हर एक पेशी का प्रयोग हुआ है। देखा कितना सुंदर तरीके से और इतना मेहनत जाता है इसके पीछे, वर्षों की साधना से, एक वर्ष की साधना होती है। लड़का लड़के दोनों ही ये शैली करते हैं कि सिर्फ लड़के ही इसे करना पसंद करते हैं? कथकली के परंपरा में सिर्फ लड़के करते थे, लेकिन आजकल जमाना तो बदल गया। ज्यादा हमारे स्कूल में लड़कियां सीखती हैं और जो वो लोग दोनों स्त्री और पुरुष दोनों कैरेक्टर वो करते हैं। आशान, इस नृत्य में कौन से वाद्य इस्तेमाल होते हैं? कथकली में 5 वाद्यों का इस्तेमाल होता है। वे हैं चंडा और मद्दलम, एडक्का ये अवनद वाद्य हैं, और चेंगला और इलताड़म ये घन वाद्य होता है। चेहरे में जो आहार्य होता है वह मुखौटा होता है या रंग भरे जाते हैं? ये देखने में ऐसा लगता है कि यह मुखौटा है, लेकिन यह मुखौटा नहीं, ये चेहरे पर रंग लगा के मुखौटे के माफिक बनाता है, उसको हम बोलते हैं चुट्टी। कथकली में जो फेस का जो मेकअप होता है उसमें रंगों का बहुत एक मुख्य भूमिका है, जैसे हरा, लाल, काला, और हर एक रंग के पीछे एक बहुत एक सिंबलिज्म है, उसका एक महत्व है। आप हमें इसके बारे में बताइए। कथकली में हरा रंग श्रृंगार रस और अच्छा कथापात्र के लिए इस्तेमाल करता है, और लाल रंग गुस्सा और ईविल कैरेक्टर के लिए देता है, और काला जो प्रिमिटिव जैसे शिकारी लोग इनको इस्तेमाल करता है, और जो पीला और लाल मिला के शिवजी और बलराम जैसे कथापात्रों को देता है। हर एक रंग के लिए एक महत्वपूर्ण अर्थ है। आपने सुना कि रंगों का जो महत्व है, आपको बाकी शैलियों में ये चीज नहीं पाते आप? लाल किस लिए बताया इन्होंने? गुस्से के लिए, गुस्से वाले पात्र के लिए। हरा किस लिए बताया? श्रृंगार और अच्छे पात्रों के लिए। एक अच्छे पात्र का नाम बताइए। श्री राम। अच्छे पात्र श्री कृष्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, ये सब अच्छे पात्र, इनके लिए हरा। और फिर काला किस लिए कहा था इन्होंने? गंदे पात्र, जंगली आदमियों के लिए, जंगली प्रिमिटिव कहा था इन्होंने, जंगली कैरेक्टर्स के लिए। और फिर क्या क्या रंग बताया था इन्होंने? पीला, लाल तो हो गया। पीला किस लिए बताया था? शिवजी और बलराम के लिए पीला है, इन लोगों के लिए पीला है। तो रंगों का इस शैली के लिए बहुत ही महत्व है, क्योंकि ये पूरा चेहरा जो है उसको देखते ही आपको पता लगता है कि ये कौन सा पात्र है। आशान, हस्त मुद्राओं की तो बहुत महत्व होती है, आप हमें कोई एक हस्त मुद्रा लेकर उसके जो प्रयोग हैं, जो विनियोग हैं, हमें बताइए ताकि हम और अच्छी तरह इसको समझ सकते हैं। इसको 3 तरह इस्तेमाल करता है, संयुद्ध और असंयुद्ध और मिश्र। मैं पताक मुद्रा का 2-3 संयुद्ध मुद्रा दिखाऊंगा। हाथी, शेर, मगरमच्छी,
राजा। सूरज। ऐसे 36 संविध मुद्रा है। असंयुद जाना। नया। जीप। माथे। नाउ मिश्र। रोकना। बाली। आपने देखा बच्चों, इसमें क्या सुंदर बात है कि हस्त मुद्रा अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन जब ये पूरा शरीर जिस तरीके से ये अपने आप को पकड़ के करते हैं और चेहरा जो इतना बोलता है, ये सब मिलके पूरी एक कहानी बनती है, एक बात बनती है। अब हम उनसे कहेंगे कि वो अभिनय पक्ष हमारे लिए थोड़ा सा कुछ करके दिखाएं। क्या अभी करेंगे? कथकली में एक मशहूर कहानी है दक्षयाग। उसमें नायक दक्ष यमुना के किनारे का सुंदर दृश्य का वर्णन करता है। उसमें वो नदी में प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। जैसे प्राकृतिक सौंदर्य जब हम कहते हैं तो क्या क्या हो सकता है उसमें? नदी, सूरज, कमल का फूल हो सकता है। फूल के साथ क्या आता है? भौरे। और आकाश, पेड़, पौधे, पक्षी, ये सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है ना? इसमें भंवर मंडराते हैं, वो देखे उन्होंने बोले ये सुंदर लड़कियों का चेहरे में वो काले बाल जैसे वैसे सुंदर है। और इस किनारे में जो हंस खेल रहे हैं देखने से मेरे मन में बहुत खुशी आता है। इसका मतलब श्रृंगार का वर्णन है। नायक जो है नायिका की सुंदरता का वर्णन करता है, जो कमल के फूल देखने पर उसके चेहरे का याद आता है, और भंवरा जब उसके आसपास भिनभिना रहा है तो नायिका की जो सुंदर केश हैं उसका वर्णन किया जाता है। यहाँ पे उपमा के तौर पे ये प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए अभिनय को और पहचानिए जो भी आपने कहा है। आशान जो कर रहे हैं, अपनी जो मनो इमेजिनेशन, अपनी जो सोच से वो करते हैं। हर बार अभिनय अलग होता है। Thank you.
का